यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये पीछे मेरा मोटरसाइकिल भी खड़ा है। तो ये कौन सी जगह है? ये है यूटिलिटी स्टोर मेन रीजन जो है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी काम करते हैं, आप लोगों के लिए सरप्राइज़ यही होगा कि अस्सलाम वालेकुम। तो अल्लाह की रहम फजल और करम के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज जैसे सुबह का टाइम है, बिल्कुल अभी 7 बज गए हैं, तो जा रहे काम पर। ये एक नया काम है, अभी तक मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया है, लेकिन इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगा। आप लोग देखेंगे कि मैं कौन से काम पर जा रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको आप लोग के लिए सरप्राइज़ है, चलते हैं। तो जैसे काम पे पहुंच जाते हैं तो आप लोग को बताएंगे कि हम कहाँ गए हैं और ये कौन सा काम है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। जी जनाब, अब सुबह सुबह ये खूबसूरत खेत देख सकते हैं, आपको ये भी नज़र आएगा, ठीक है। क्योंकि अब हम किसी और साइड जा रहे हैं तो पहाड़ के ऊपर भी आपको सुबह सुबह ये धुंध नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जी जनाब, अगर आप देखें तो मेरे हाथ बिल्कुल सुन हो चुके हैं, अभी मैं पहुंच चुका हूँ। ये मेरा मोटरसाइकिल खड़ा है, अभी भी स्टार्ट है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी रास्ते में यार, बहुत ज़्यादा बेइंतहा सर्दी, आप सोच भी नहीं सकते कितनी सर्दी है जनाब। तो हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं ये पीछे मेरा मोटरसाइकिल भी खड़ा है। तो ये कौन सी जगह है? ये है यूटिलिटी स्टोर मेन रीजन जो है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी काम करते हैं, आप लोगों के लिए सरप्राइज़ यही होगा क्योंकि मैं ज़्यादातर दुकान पे जाता हूँ, तो मेरी छुट्टियाँ थी। हाँ, दुकान पे भी मैं जाता हूँ, वहाँ पर भी मैं काम करता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मैं काम करता हूँ। अच्छा, जैसे ये ओपन हो जाएगा तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर घी कहाँ पर पड़ा है वगैरह, सारा सिस्टम मैं आप लोग को समझा दूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर जो है ना, अभी ये बंद है, अभी खुला नहीं है, जैसे खुल जाएगा तो मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर कैसा निज़ाम है, क्या होता है और किस तरह ये सब कुछ यहाँ पर आते हैं, ठीक है। वो गाड़ी कैसी खाली होती है, तो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जब खुल जाएगा तो फिर बताऊंगा। अच्छा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बिल्कुल सामने से इस तरह नज़र आते हैं, ठीक है। ये सारे दरवाजे हो बिल्कुल जो है बहुत ही बड़ी जगह है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ट्रेले वगैरह सब कुछ आता है, तो ये बहुत ही बड़ी जगह है, ठीक है। यहाँ पर बहुत गाड़ी आती है, यहाँ पर हाली होती है। ये सारे मेन जो आपको दिख रहा है, ये वाला ये सारे गोदामे हैं। अभी तक ये लोग नहीं आए क्योंकि ये 9 बजे या 9:30 बजे के बाद आएंगे और हम यहाँ पर 8 बजे पहुँच चुके हैं। ये अभी तक 8:20 है, 8:15 है, और हमारे और दोस्त भी नहीं आए हैं। जैसे वो भी आ जाएंगे तो फिर आपको बताएंगे। यहाँ पर वो भी अभी तक नहीं आए हैं, मेरे हमारे जितने भी और दोस्त हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो वो भी नहीं आए। एक बंदा सिर्फ आ चुका है, बाकी कोई नहीं आए है यहाँ पर। भाई ये देखो, ये स्टोर पूरा के पूरा खाली पड़ा है। ये देख, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो है आप ये सिर्फ इसी चीज़ के लिए इसी चीज़ के लिए बस, भाई काम वाम नहीं है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अच्छा भाई, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर इतना ज़्यादा घी होता था, लेकिन ये जब से ये हुकूमत आई है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा कब्रिस्तान बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर आए तो ये कुछ दाल वगैरह पड़े हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये दाल है, यहाँ पर ये चावल वगैरह है, ये चावल है, ठीक है। अच्छा, ये दाल मसूर है, और ये जो है सफ़ेद चना, और इसके अलावा यहाँ पर बाकी क्या पड़ा है, ये भी मेरे ख्याल में है चावल, ठीक है। और इसके बाद ये भी है, और वहाँ पर जो है ये लोबिया पड़ा है, ठीक है, ये लोबिया पड़ा है यहाँ पर, ठीक। आप देख सकते हैं ये लोबिया है। इसके अलावा यहाँ पर ये मशीन है जिस पर यहाँ पर पैकिंग होती है, ठीक है। जो भी चीज़ मिसाल के तौर पर अगर चीनी वगैरह और उसकी दाल और ये लोबिया वगैरह सारा इस मशीन पर जो है ना पैकिंग होता है, ठीक है। इससे तो ये दालें वगैरह सब कुछ पड़े हैं, बाकी पूरा के पूरा जितना भी ये स्टोर है खाली पड़ा है, तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया यहाँ पर ये सारा के सारा स्टोर खाली पड़ा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा लोग जो है ना पेट्रोल के लिए खड़े हैं, पेट्रोल है भी नहीं, शॉर्टेज है, इस वजह से इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं। जी व्यूज, तो मैं वापस आ चुका हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं स्टोर में आपको कुछ दिखाऊंगा, आप लोगों ने वीडियो देखी भी, लेकिन ज़्यादा कुछ आजकल उसमें पड़ा नहीं है। जैसे आपको पता है कि इस हुकूमत जब जिसे PDM आया है या शहबाज हुकूमत आया है, तो ये स्टोर जो है मुकम्मल खाली होता है। ये आवामों के लिए होता था, सब्सिडी में जो है कुछ चीज़ें लेते थे, यहाँ पर आवाम को सस्ता चीज़ मिलता था यूटिलिटी स्टोर से। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है ना, यहाँ पर चीनी घी कुछ भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, सिर्फ ये पुराने चावल पड़े हैं, जैसे आप लोगों ने ये वीडियो देखी, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर इतना काम होता था कि हमें जो है ना फुर्सत ही नहीं होता था, इतना ज़्यादा काम होता था। बूरिया जो है ऊपर जो है
क्या कहते हैं उसे, इतनी ज़्यादा बोरी होती थी, कम अज़ कम 15-20-30 हज़ार बोरियाँ हर टाइम इसमें अवेलेबल होती थी। लेकिन इस हुकूमत ने ना तो सब्सिडी दी, सब्सिडी भी ख़त्म कर दी। एक महीना हो गया अभी तक इस स्टोर में कोई सामान नहीं आया, ठीक है। तो हम चले गए, हम कहते थे कि यार थोड़ा सा काम कर लेते हैं, लेकिन काम का कुछ नहीं था। फिर हम वापस आ गए सारे दोस्तों, तो आप लोगों से कुछ शेयर करना था, तो आप लोगों ने पेट्रोल की वीडियो भी दी, ठीक है। एक चीज़ नहीं, अगर आप देखें तो एक साइड पेट्रोल है, दूसरा साइड इस हुकूमत ने सब्सिडी ख़त्म की यूटिलिटी स्टोर की, तो किसी चीज़ के अगर आप देखें तो हर एक चीज़ ख़राब है यहाँ पर। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ आप लोगों से जो है ना शेयर नहीं की। मैंने आप लोगों को दिखाना था कि वहाँ पर गाड़ी कैसे अनलोड होती है, घी या चीनी जो है अगर वहाँ पर आती है तो कैसे लोड की जाती है, सब कुछ मैं आपको दिखा था। लेकिन जैसा मैं वहाँ पर गया तो एक महीना हो गया यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं आई है। क्या वजह है? वजह यही है कि इस हुकूमत ने जो है ना सब कुछ चीज़ें ख़त्म कर दी है। अभी आप देख सकते थे कि कितना जो है ना ये मुकम्मल जो भी था ये पूरा की पूरा जो है खाली पड़ा था स्टोर। इसी वजह से एक ना हुकूमत सब्सिडी रहे, एक तरफ गुरबत है, दूसरी तरफ ये किसी है, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको कुछ